हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। ये मेरे कुछ हैंगिंग प्लांट्स हैं, तो सोचा थोड़े थोड़े आपको दिखाते चलूँ। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार कटलेट रेसिपी है, तो घर के ही सामान से बन जाने वाला, आसानी से बन जाने वाला, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। तो ये हेल्दी भी है, बहुत ही कम तेल में बन जाने वाला भी है। तो इसे बनाएंगे पपीते से। दो पपीता लिया है और छील करके इसे ग्रेट कर लिया है, यानी कद्दूकस कर लिया है, मोटा मोटा ही कद्दूकस किया है। करीब 3 कप भर करके ये है, एक गमले में डाल लेते हैं। और हरी मिर्च है, एक बड़ा प्याज छोटे टुकड़ों में काट करके डाला है। कुछ मसाले डालेंगे, कलौंजी 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून था, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, हमने सरसों पाउडर भी डाला है, हींग डाला है, लाल मिर्च कुटी हुई डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, और यह है जलजीरा पाउडर है। आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार डाला है, और करीब 1.5 कप के जितना बेसन डाला है। कम पड़े तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं बेसन को। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर ले और ढक करके रख दे 10 मिनट, ताकि जो पानी रिलीज होना है पानी निकल आए। और उसके बाद ये जो मिश्रण है वो थोड़ा नरम पड़ जाएगा, तो फिर से इसे मिक्स करना है। 10 मिनट बाद ही खोल करके इसे मिक्स करना है, एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो ये तैयार हो जाएगा बनने के लिए। उसके बाद छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स बना लें हाथों में लेकर के, इस तरह से आकार देते हुए, और फिर कटलेट का आकार दे दें और बना करके इस तरह से तैयार कर लें। तो तैयार हो चुका है, दूसरी तरफ तेल भी गर्म हो चुका है। हमने नॉन स्टिक तवे पे तेल डाला है, सिर्फ 2 से 2.5 स्पून ही तेल डालना है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से कटलेट को डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम में इसे तलना है यानी सैलो फ्राई करना है। तो ये करीब 4 मिनट के अंदर ही इस तरह से ब्राउन हो चुका है, तो हमने टर्न कर दिया है, और दूसरी तरफ भी 4 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम में। काफ़ी तेल आपको तवा पे नज़र आ रहा होगा, यानी ये तेल का बहुत ही कम इसमें ज़रूरत पड़ता है। तो दूसरी तरफ टर्न करने के बाद में थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर दे, तो अंदर तक ये पक जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वादिष्ट। बनकर तैयार हो चुका है, चलिए निकाल लेते हैं सभी को। और इस तरह से निकाल लेते हैं, गर्मा गर्म बन जाने के बाद हमारे यहाँ तो तुरंत ही ख़त्म हो गया। मैंने ब्रेकफास्ट के समय ही इसे बनाया था, दूसरे बार भी हमने डाल दिया है और ये बन करके तैयार है। तो ये पूरी तरह से बन करके तैयार है, आप इस चीज़ को करी भी तैयार कर सकते हैं, यानी मसाला तैयार कीजिए अच्छी तरह से, टमाटर वगैरह डाल करके, और ग्रेवी तैयार कीजिए, उस ग्रेवी में इसे डाल दीजिए। तो ये बहुत अच्छा जो पपीते का कोफ्ता करी बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसका कलर देखिए, ऊपर से क्रिस्प है और अंदर जो है सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। और पपीता वैसे भी हेल्दी होता है, पपीता तो हमें खाना ही चाहिए। तो इस तरह से एक बार बना करके ट्राई कीजिएगा, आपको तोड़ करके दिखाते हैं। ऊपर से तो ये क्रिस्प है और अंदर सॉफ्ट है, लेकिन पूरी तरह से ये अच्छी तरह से पका हुआ है। हमारे यहाँ ये अक्सर ही बनता रहता है और सभी बहुत पसंद करते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो ट्राई कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए।